आई गई है, क्या है इसमें, किस तरीके से दर्शाया जा रहा है, क्या बोल? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस स्वतंत्रता संघर्ष के जो 75 वर्ष हुए उस पर जो अमृतकाल का एक संदेश माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, इस अमृतकाल के अवसर पर देश ने किस तरीके से आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से जो विकास किया है, लोकतांत्रिक रूप से, इस प्रदर्शनी के माध्यम से उसको दर्शाया गया है। निश्चित रूप से भारत के वीर जवानों ने, अमर शहीदों ने अंग्रेजों के खिलाफ औपनिवेशिक ताकत के खिलाफ संघर्ष किया, और भारत, मैं तो ये कह सकता हूँ कि भारत कभी गुलाम नहीं था, भारत संघर्ष करता रहा, भारत अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपनी परंपरा को बचाने के लिए बलिदान होता रहा, और जब तक अंग्रेज भारत छोड़ करके नहीं गए, भारत लड़ता रहा, भारत संघर्ष करता रहा, और उसी का परिणाम है कि आज भारत के लोग एक स्वतंत्र हवा में सांस ले पा रहे हैं। मैं उन तमाम अमर बलिदानियों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश की जनता का आह्वान करते हुए आग्रह किया है कि आने वाला जो 25 वर्ष है वो पूरे विश्व को स्थायित्व प्रदान करने वाला है, भारत उसका नेतृत्व करे, उस प्रकार का भारत हम सब लोगों को मिलकर के बनाना है, इस प्रदर्शनी के माध्यम से ही दर्शाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।